और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें धमाकेदार 50 में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी ढेर, पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकवादियों ने टीवी एक्ट्रेस की गोली मारकर हत्या की, हमले में एक्ट्रेस का 10 साल का भांजा घायल। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई, भारत विरोधी नारेबाजी के आरोप में यासीन मलिक के घर के बाहर से 10 लोग गिरफ्तार। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की जिला कोर्ट आज दोपहर 2 बजे मुख्य याचिका पर सुनवाई करेगी, हिंदू सेना भी ज्ञानवापी मामले में खुद को पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दे सकती है। ज्ञानवापी मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है, कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने ओल्ड टेम्पल ऑफ विश्वेश्वर जैसे नक्शे का जिक्र अपनी सर्वे रिपोर्ट में किया है। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान मामले में रिविजन पिटीशन पर मंजूरी के बाद पहली बार सुनवाई हुई, सभी पक्षों को सुना गया, 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, 6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। पीएम मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे, चेन्नई में 31,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने ट्वीट की शरद पवार और बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह की तस्वीर, राज ठाकरे के खिलाफ गठजोड़ का दावा किया। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। बीजेपी सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली, दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज की गई FIR। राज्यसभा चुनावों के लिए शिवसेना से संजय राउत और संजय पवार आज अपना नामांकन भरेंगे। झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की ने रांची वाले घर पर CBI ने छापा मारा, नेशनल गेम्स में घोटाले का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, डीके शिवकुमार फिलहाल बेल पर हैं। केरल के पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को हेट स्पीच मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। निलंबित IAS पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा निधि में गबन केस में 8 जून को कोर्ट में पेशी होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेगा शो की तैयारी, जेपी नड्डा ने 1 जून को कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का प्लान बनाया, तो वहीं 2 जून को यूथ कॉन्वेंट कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे। राजस्थान में 2023 का चुनाव सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में होगा या नहीं, अगले 60 दिनों में कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेगा। समाजवादी पार्टी का फैसला, जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए SP RLD के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। पूर्व मंत्री और सांसद हर्षवर्धन दिल्ली के नए उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में नाराज होकर लौटे, बोले सांसद तक के लिए सीट नहीं रखी। दिल्ली में अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे सभी स्टेडियम, सीएम अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर 23 जून को उपचुनाव, विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव और आजम खान ने सीट छोड़ी। मध्य प्रदेश के सत्ता में कुछ उपद्रवियों ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तोड़ी, गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शारदा घाट पर पूजा की। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी, कानपुर में पत्नी के नाम खरीदे गए 2 प्लॉट सील किए गए। यूपी के श्रावस्ती में चोरी के शक में मानसिक रूप से कमजोर युवक की खंभे से बांधकर पिटाई की गई, पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेजा। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में एक युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सब्जी व्यापारी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। MP के सागर में जश्न के दौरान फायरिंग करने वाले शख्स पर केस दर्ज करके जांच के आदेश दिए गए। यूपी के संभल में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, 5 लोग जख्मी हुए। यूपी के अमरोहा में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 1 सिपाही भी जख्मी हुआ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डिवाइडर से कार टकराई, भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हुए। दिल्ली के तिलक नगर इलाके से 4 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 नाइजीरियाई मूल के नागरिक गिरफ्तार हुए। करगिल श्रीनगर हाईवे पर तेज रफ्तार कार गहरी खाई में गिरी, हादसे में 8 लोगों की मौत की आशंका। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जीप और बाइक की आमने सामने टक्कर हुई, 2 लोग जख्मी हुए। यूपी के फिरोजाबाद में बड़ा हादसा टला, सड़क किनारे खड़ी पुलिस PRV को रोडवेज के टक्कर मारने का वीडियो सामने आया, घटना के वक्त उसमें कोई मौजूद नहीं था। मध्य प्रदेश के कटनी में NH 43 पर ट्रक में अचानक आग लगने के बाद ड्राइवर फरार, पुलिस जांच में जुटी। असम में नगांव जिले के निचले इलाकों में बाढ़ से तबाही, लोगों के घरों में पानी घुसा, जनजीवन प्रभावित।
असम के नागांव में बाढ़ की वजह से 250 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कोकिली नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, कमर तक पानी के बीच लोग सड़क पार करते दिखे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रावी नदी की लहरों के बीच फंसी जेसीबी, पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में मई महीने में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बना, अब तक सामान्य से 58% अधिक बारिश दर्ज की गई। भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत, सतह से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। हिट फर्स्ट हिट हाई का मंत्र दिया नौसेना को बड़ी कामयाबी। पीएम मोदी कल दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन मेले का उद्घाटन करेंगे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2628 केस मिले, 18 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 15,414 हुई। अमेरिका के फरवरी के बाद पहली बार कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा। इमरान खान की लॉन्ग मार्च की अपील के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन, रेड जोन को सरकार ने सेना के हवाले किया। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में बम धमाकों से 12 लोगों की मौत हुई, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया यूएई, एयरपोर्ट संचालन के लिए समझौता हुआ। अमेरिका के टेक्सास में स्कूली हमले में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच अब अमेरिका और रूस दुनिया भर के देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गए हैं। एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने के लिए दोनों देश अब कुछ भी करके एक दूसरे के दुश्मन देशों को मदद के बहाने अपने पाले में खींचने में जुटे हुए हैं, और उनकी इस कोशिश से पूरी दुनिया के दो अलग अलग गुटों में बंटने का खतरा बढ़ गया है। एक तरफ नाटो देशों का साथ होने से अमेरिका का पलड़ा भारी दिख रहा है, तो दूसरी तरफ आप देखिए चीन खुलकर रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। लेकिन अब रूस ईरान को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट चुका है, और खबर यह है कि दोनों देश मिलकर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार पर जल्द काम शुरू कर सकते हैं। अमेरिका को जवाब देने का नया प्लान, अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगा रूस। राजनीति में एक कहावत है।